हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे सब ठीक हैं। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इधर हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से जब आप दिल से खुशी के साथ किसी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी, तो यकीन जाने खाने वाले को मज़ा आ जाता है। ये देखें, माशाल्लाह दिखने से कितना अच्छा लग रहा है। तो वो साथ में हम बनाएंगे कॉफ़ी, माशाल्लाह बहुत मज़े की कॉफ़ी बनती है। तो पीने वाला जब कॉफ़ी पीता है तो उसका सारा दिन गुड ही रहता है। दैट्स मीन गुड डे कॉफ़ी, माशाल्लाह। तो ब्रेकफास्ट से फारिग होके मैं जाऊँगी किचन में, ऊपर डिनर चढ़ा दूँगी। तो साथ में जो काम करने वाले हैं वो करूँगी, बाकी कुछ काम आपके साथ करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह। तो बस मैं किचन पे अपना डिनर रखा ही थी पकने के लिए। तो आज हम क्या बना रहे हैं वो अभी बताती हूँ आपको। तो साथ में सोचा ये मैं आयरन कर लूँ, कुछ कपड़े लॉन्ड्री करके रखे थे वो तो आयरन करने वाले थे, तो हम इनको आयरन करके रख लेते हैं। बस ये होता है जब आप लॉन्ड्री कर लें, फिर उनको ड्राई होने के लिए डालें और जब तक उनको आप समेट ना लें तो चैन नहीं आता। और ये भी एक जॉब है, आपको करना ही है, तो वरना तो फिर मैसी ही लगता है। बस आयरन से फारिग होके तो अब जाऊंगी किचन में, तो जाके अपने डिनर को देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो डिनर में आज हम बना रहे हैं, मैंने बस गंदम भिगो के रख दी थी आधा कप राइस, और 1/3 कप मूंग की दाल, 1/3 कप मसूर की दाल। इन सब चीज़ों को गोश्त के साथ पकने के लिए रख दिया प्रेशर कुकर में। जब ये गल जाएंगी फिर इनको अच्छे से मैश कर लेंगे हम, और फिर बघाड़ लगा देंगे। तो ये एक डिश रेडी हो जाएगी। ये ना तो हलीम है ना ही हरीसा है, बस ऐसे ही मैंने सोचा इस तरह से बना लेती हूँ तो कुछ डिफरेंट सा बन जाएगा। साथ में बनाए हैं हमने अपने राइस, वो भी रेडी हो गए हैं। और अगर किसी ने राइस के साथ खाना है या रोटी के साथ खाना है, दोनों तरह से खा सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से राइस रेडी है। तो ये देखें हमारी नई डिश, एक नए तरीके से मैंने बनाई। तो देखें माशाल्लाह से लुक कितना अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से जी। तो देखा आपने, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया, जो दूसरे काम करने वाले थे वो भी कर लिए, आयरन भी हो गई। तो अब मैं थोड़ी सी फ्री हुई थी तो सोचा जो मैंने पिछले दिनों शॉपिंग की थी, कुछ ड्रेसेस बाय किए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। उस दिन जो मैंने अपनी कबर्ड क्लीन की है, तो वहाँ से मुझे एक बैग मिला जिसमें से मेरे जूते थे, जो मुझे काफ़ी देर से मिल ही नहीं रहे थे। इतना ढूँढा, कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। और ये वो शूज़ थे, मैं यूके से लेके आई थी, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे, उधर से लेके दिए थे। तो वो मैं क्या पहले आपको दिखा दूँगा, देखेंगे। समटाइम हम ऐसी चीज़ें रख देते हैं डंप करके, या इस तरह उस चीज़ के आगे कुछ चीज़ आ जाती है फिर नज़र ही नहीं आती। तो मैं क्या चले मैं आपको दिखाऊँ कि ये वो शूज़ हैं। देखो उसी तरह से वो थ्रेड भी लगा हुआ है, यानी कि अभी मैंने यूज़ भी नहीं किए, ला के रखे तो फिर मिल ही नहीं रहे थे, तो अभी इनको मैं यूज़ करूँगी। एक ये शूज़ था, और एक मेरा ये शूज़ था सिल्वर, जो कि अक्सर मैं पहनती हूँ, और एक दो दफ़ा ही मैंने पहना हुआ है, ये भी नहीं मिल रहा था। तो ये दोनों एक ही यानी कि शॉपर में रखे हुए थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई है। तो ये शूज़ अब मुझे मिल गए हैं, अब जिसके साथ मैच हो रहे होंगे उसके साथ पहनूँगी। तो अभी आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो जी ये कुछ ड्रेसेस थे जो मैंने पिछले दिनों बाय किए थे, तो बस रखे हुए थे, तो सोचा चले एक ही साथ आपको दिखाती हूँ। तो इनको मैं यूज़ करूँगी, ये स्लीवलेस है, तो ब्लैक के साथ या वाइट नीचे शर्ट के साथ उस ड्रेस को यूज़ करूँगी। ब्लैक है तो फिर नीचे ब्लैक ट्राउज़र, अगर वाइट लूँगी तो फिर नीचे वाइट ट्राउज़र के साथ। तो ये जो शर्ट्स हैं ऑलमोस्ट सब के साथ जो है ना ब्लैक ट्राउज़र चल जाएंगे, तो अच्छे लगेंगे ब्लैक ट्राउज़र के साथ सब ड्रेस। तो एक ये है, इसके साथ डिफरेंट ट्राउज़र है।
तो ये कुछ मेरी बेटी को वाइट शर्ट चाहिए थी, ब्लैक शर्ट चाहिए थी, वो ली उसके लिए, और एक शर्ट बेटे के लिए ली, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ली वो भी। तो ये देखें, तो बस ये थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग थी जो आपको दिखाई। जी तो आपने ये मेरे ड्रेस देखे, आप बताइएगा मुझे कमेंट्स करके आपको कैसे लगे। ये ड्रेस मैंने स्पेशल बाय नहीं किए, और अगर आप स्पेशल बाय करने जाएं भी तो आपको नहीं मिलते हैं आपकी पसंद के एक अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में। मोस्टली ये सारे ड्रेस जो मैंने लिए हैं सेल में ही लिए हैं। स्पेशली मैं गई थी अपनी बेटी की शॉपिंग करने के लिए, उसे ब्लैक एंड वाइट शर्ट चाहिए थी, तो जब वो देखने गई तो उसके साथ मुझे अपने भी पसंद आ गए, बड़ी अच्छी प्राइस में सेल में लगे हुए थे, तो मैंने अपने लिए भी ले लिए। तो जब भी आप स्पेशली विंडोज शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रोसरी के लिए, या ऐसे ही मॉल में कोई काम हो तो जाते हैं, आपको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है। बस मेरे साथ तो इसी तरह ही होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।